मॉर्निंग, दिस इज डे नंबर 9 ऑफ मी ट्राइंग रुजुता दिवेकर्स डाइट प्लान. और अभी मैं जा रही हूँ वॉक के लिए. सुबह उठ के पानी पी लिया था एंड उसके बाद 1 बनाना भी खा लिया था, लेकिन मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा नींद में थी. तो ओके, बट हाँ, मैंने मील 1 ले लिया. मील 1 है हमारा बनाना. एंड आज से आई विल ट्राई कि मैं आपको मील भी बताऊं, क्योंकि अभी की तक की वीडियोस में ना मैं प्रॉपर ऐसे दिखानी पड़ती मील 1 मील 2, क्योंकि रुजुता मैम की डाइट में टोटल 7 मील्स तो होते ही होते हैं, 8th मील इज ऑप्शनल. तो आज की वीडियो में आई विल एक्सप्लेन यू, साथ साथ में जब मैं खाती जाऊंगी मैं आपको बताती जाऊंगी कि क्या मील 1 है, मील 2 है, मील 3, एवरीथिंग. सो हाँ, मील 1 इज आर बनाना या फिर कोई भी फ्रूट या फिर ड्राई फ्रूट्स, जिसे रात को सोक करके आमंड रख सकते हो तो वो भी आप मील 1 में ले सकते हो. सो यस, मील 1 इज डन, पानी इज डन. नाउ आई एम गोइंग फॉर माई वॉक एंड फिर मैं आपसे मिलूंगी जब मैं वॉक से वापस आ जाऊंगी. ओके गाइस, आई एम बैक फ्रॉम माय वॉक और आज कुछ ज्यादा ही वॉक कर ली मैंने. आज मैंने अराउंड 10,000 स्टेप्स चल लिए. बहुत ज्यादा लंबी वॉक हो गई, इतनी भी नहीं करनी थी मुझे, बट हाँ ठीक है. सो अभी ब्रेकफास्ट रेडी हो गया. ब्रेकफास्ट में आज मैंने बनाया पनीर भुर्जी एंड साथ में है 2 ब्रेड के पीस और इसी को ही खाऊंगी. आज मुझे एक्चुअली पता है कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं बनाऊं क्या. पहले मैंने सोचा वर्मिसली बनाती हूं, बट वर्मिसली घर में खत्म हो गई, इसलिए फिर मैंने सोचा चलो घर में जो है वही देखते हैं. और घर में निकली ब्रेड तो वही खाने वाले हैं. ऑल्सो थैंक यू सो मच, कल वाली वीडियो पे आप लोगों ने इतना प्यार दिया. एक्चुअली परसों भी मम्मी पापा का जब एनिवर्सरी थी वो वाले ब्लॉग पे भी बहुत प्यार दिया था. थैंक यू सो मच, इतना अच्छा लगता है ना इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ के. एंड मैंने ब्रेड पे कोई बटर या ऑयल या कुछ भी नहीं लगाया, मैंने सिर्फ पनीर भुर्जी देसी घी में बनाई थी और ब्रेड ऐसे ही मैंने टोस्ट कर लिया. आज बच्चा नहीं नहीं करा है बच्चे ने, बच्चा बहुत इरिटेट हो जाता है. ज़ारा ओले, अभी अभी जस्ट मैंने इसे नहलाया है. हाय हाय, नाई नाई तो जरूरी होती है भाई, नहाना तो जरूरी होता है. बहुत ही इरिटेट हो गया है बच्चा. तो या अभी अभी बस इसको नहलाया है और अभी मैं जाकर अपना मील नंबर 3 लेने वाली हूँ. वो आपको दिखाती हूँ क्या ले रही हूँ. नहाने के बाद कुछ ऐसा होता है दोस्तों, बोल नहाने के बाद का असर है ये. ओके गाइस, तो मैं ना कोकोनट वाटर लेकर आई, कोकोनट लेकर आई थी, बट ये कोकोनट तो टूट ही नहीं रहा है. पता नहीं इतना ज़्यादा, मतलब पता नहीं यार, मैंने यहाँ पे नाइफ मारा था बट वो यहीं पे अटक गया, पता नहीं क्या दिक्कत है. कल कोकोनट वाले भैया को ही कहूँगी इसको खोल कर दो. और ये रही ज़ारा बेबी. हाय, फोकस, फूडी है एकदम, ये भी अलग ही फूडी है. हाय फूडी, हाय हाय फूडी फूडी. ओके दोस्तों, कोकोनट तो मिला नहीं, वही हमने फिर वाटरमेलन ही काट लिया है, इसी को ही खाएंगे. मील नंबर 3 हम ले रहे हैं वाटरमेलन, मतलब मैं ले रही हूँ वाटरमेलन. और फिर से ही आ गया है फूडी बच्चा. हाय फूडी. ओके, फॉर ब्रेकफास्ट टुडे आई हैव गोभी का पराठा विद दही एंड हेयर वी हैव ज़ारा. हाय हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, दिस इज the next day actually and I don't have electricity at home. Oh my god, kal pura din light nahi thi, inverter band ho gaya tha, meri battery charge nahi thi camera ki and mera phone charge nahi tha, kuch nahi ho paya. Day 9 ki video edit nahi ho payi, upload nahi ho payi. Yeah, so this is how my day went. और रात को भी थोड़ी देर के लिए लाइट आई थी, मैंने फ़ोन चार्ज किया था थोड़ा सा, बट देन इतना नहीं था कि मैं एडिट कर पाऊँ क्योंकि मैं वीडियोज़ अपने फ़ोन पे एडिट करती हूँ. एंड या, सो दिस इज़ हाउ माई वीकेंड इज़ गोइंग एक्चुअली. आज संडे है बाय द वे. सो अभी गोभी का पराठा बना है घर में एंड मैंने थोड़ी देर कैमरा की भी बैटरी चार्ज कर ली थी. अच्छा हाँ, डे 10 की वीडियो बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं हो पाई दोपहर तक आई गेस. हाँ,
दोपहर को रिकॉर्ड करा था, आई डोंट नो, थोड़ा ही क्लिप हो पाया था क्योंकि आई गेस 11 बजे से लाइट चली गई थी एंड रात को आई थी 8:30 के अराउंड, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट हाँ बहुत देर तक लाइट थी नहीं, तो मेरा जो कैमरा का भी बैटरी थी वो भी चार्ज नहीं था, तो इस वजह से मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई, कल बिल्कुल भी शूट नहीं कर पाई। ओके, आज का भी यही है कि आज बैटरी अभी तक 2 ही है, तो जितनी देर चल पाएगा कैमरा ठीक है, क्योंकि अभी भी लाइट, इट इज़ करेंटली 9 और अभी भी लाइट नहीं है, तो आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग, कुछ दिक्कत आई है मे बी एरिया में, हमारे घर में आ रही है, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग सीरियसली, बट ठीक है, गर्मी भी बहुत लग रही है, इसलिए आज तो हमने पंखे भी एक ही कमरे में जला लिया है ताकि इन्वर्टर एक, कम से कम एक पंखा तो चलता रहे क्योंकि ऑलरेडी इतनी गर्मी है। तो चलो ठीक है, स्टार्टिंग माई संडे विद ऑल द कंप्लेंट्स एंड नाउ आई हैव गोभी का परांठा टू चीयर मी अप, क्योंकि गोभी का परांठा है भैया एंड गोभी इज लव, सो आई एम गोइंग टू एंजॉय माई ब्रेकफास्ट नाउ एंड फिर मैं आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ और देखती हूँ यार, अभी ट्राई करती हूँ कि जितनी भी बैटरी है फ़ोन में वो एडिट तो करूँ व्लॉग 9 जो है, मतलब डे 9 जो है, क्योंकि अभी कमेंट भी आ गए हैं 2-3 लोगों के ये वीडियो कब आएगी, सो लेट्स सी, लेट्स देखते हैं क्या होता है एंड या आई डोंट नो, चलो ठीक है धीरे धीरे खाएंगे, 32 टाइम्स च्यू करके खाएंगे। ये रहा हमारा ब्रेकफास्ट दर्शकों, बहुत ही यम्मी, आहा कॉलर बोन, कैन यू सी दैट, आई लव कॉलर बोन्स एंड यू कैन ऑल्सो सी ज़ारा, क्योंकि जहाँ पे खाना होता है वहाँ ज़ारा होती है, ऑल दो मैं ये देती नहीं उसको, मतलब ऐसा नमक वाला खाना एंड ऑल, बट ये यहाँ आ जाती है, क्या करूँ मैं, बाद में मिलती हूँ थोड़ी देर में। हाय, खाना दिख रहा है ना इसलिए ऐसा हो रहा है, चलो इसे भी बहुत गर्मी लग रही है यार, बहुत ज्यादा गर्मी हो गई है, चलो ठीक है बाय नाउ, बाय। फॉर लंच वी हैव पत्ता गोभी की सब्जी, दाल एंड 1 फुलका विद देसी घी। ओके गाइस, सो इट इज करेंटली 6:10 and I am ready, as you can see I am going out for a dinner date, I'm calling it a date only because अच्छा लगता है बोलने में, I'm going out for dinner with a friend, क्योंकि बहुत टाइम से मैं उस फ्रेंड से मिली नहीं थी ऐसे यू नो डिनर वगैरह पे ऐसा, तो हमने प्लान कर लिया एंड अब मैं बाहर जा रही हूँ, आई विल ट्राई टू ईट हेल्दी ओनली, मतलब जितना हेल्दी हो पाएगा, बट देखती हूँ यार, आप लोगों को साथ लेके जाऊंगी और ऑब्वियसली बाहर का अगर खाऊंगी तो दिखाई दूंगी कि हाँ भैया ये खाया है एंड ओके सो लेट्स गो। और अभी मैंने ड्रेस पहनी है, अगर हो पाया तो मैं बाहर जैसे थोड़ा सा रिकॉर्ड भी कर लूंगी आप लोगों को दिखाने के लिए कि मैंने क्या पहना है, और मेकअप मैंने ज़्यादा नहीं किया, बहुत ही नॉर्मल, वेट आई विल शो यू, बहुत ही नॉर्मल मैंने आई करी है, ग्लिटर लगाया था एंड आईलाइनर लगा लिया और बस हो गया मेकअप, बेस पे मैंने सिर्फ मॉइस्चराइजर लगाया है, फाउंडेशन या कुछ फाउंडेशन वगैरह कुछ नहीं लगाया क्योंकि ऑलरेडी इतनी गर्मी है ना, मुझसे होता ही नहीं है भैया बर्दाश्त, सो हाँ बहुत ब्राइट हो गया। अब मैं वेट कर रही हूँ मेरी कैब का, जब कैब आ जाएगी तो मैं निकलूंगी और मैं आपको साथ लेके चलूंगी एंड फिर मिलते हैं बाहर ही, आई एम एक्साइटेड। गुड मॉर्निंग गाइज, दिस इज द नेक्स्ट डे एंड ओ माई गॉड, कल रात को तो मैंने व्लॉग ही नहीं करा, सो वी वेंट टू सेक्टर 29 गुड़गांव, जो भी गुड़गांव दिल्ली के अराउंड है उन्हें पता होगा सेक्टर 29, सो मी एंड माई फ्रेंड वेंट देयर एंड हमने डिनर किया था वहीं पर ही, सो मैं भूल जस्ट मतलब दिमाग से निकल गया, हम इतनी बातें बातें करने लगे थे और मेरे दिमाग से निकल गया मैं व्लॉग भी कर रही हूँ, एंड सच्ची बोलूँ तो एंड में जब सब खत्म हो गया एंड वी वर अबाउट टू लीव मुझे याद आया ओ शिट मुझे ब्लॉग करना था, बट हाँ ठीक है कोई बात नहीं यार, वो एक थोड़ा वो पर्सनल टाइम हो गया था हम दोनों के लिए, सो इसलिए मैं भी भूल गई। सो हमने कल क्या क्या खाया था ना मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ, वी हैड आर ड्रिंक्स एंड उसके बाद हम लोगों ने रोल्स खाए थे वहाँ पर, एक स्प्रिंग रोल जैसा स्प्रिंग रोल ही ले लो वो था एंड नाचोस थे वो लिया था, एंड पता है बाहर जाके ना हमें ऐसा होता है मतलब वहाँ पहले हम सोच के जाते हैं बहुत कुछ खाएंगे बट वहाँ जाके मन ही नहीं करता, मतलब हम इतने गप्पे लड़ाने लग गए थे, तो आई एम हैप्पी कि बाहर का भी हो गया, मतलब बाहर भी चले गए घूमने एंड खाया भी ऐसा नहीं कि बहुत भर के, तो ठीक है मतलब ओके। और मैंने जो कल फ्रॉक ड्रेस पहनी थी उसकी मैंने बूमरैंग भी बनवाया था उस मतलब फ्रेंड से, वो भी मैं यहाँ पे दिखा दूंगी आपको, आप देख लेना कि मैंने क्या ड्रेस पहनी थी, और तो बाकी तो कुछ था नहीं, रात को आई केम बैक काफ़ी लेट, मतलब 10:30 बज गए थे, मतलब इतना भी लेट नहीं बट हाँ 10:30 बज गए थे आते आते, एंड देन मैं आकर फिर नहाई थी एंड देन आई स्लेप्ट, और
और कुछ बताना था? नहीं, और कुछ नहीं बताना था. ओ हो, आज मतलब व्हेन यू आर वाचिंग दिस वीडियो इट विल बी 12th आई गेस. हाँ, सो 12th को मतलब आज जब आप ये वीडियो देखोगे, इट्स माय ब्रदर्स बर्थडे, अर्णव्स बर्थडे. अर्णव कौन है? मम्मी पापा की अगर आपने वो वीडियो देखी एनिवर्सरी वाली, तो उसमें क्यूट सा बच्चा आया था बीच में, किसी ने लिखा भी था ये बहुत क्यूट है, इसके साथ और वीडियो बनाओ. सो वो अर्णव है, आदू, हम उसको घर पर आदू बोलते हैं. आज उसका बर्थडे है, तो हाँ वो उसके घर भी जाना है आज, तो बर्थडे पार्टी आज भी होने वाली है. सो बेसिकली 2-3 दिन का मेरा ना ऐसे बाहर का थोड़ा होने वाला है, क्योंकि कल से नवरात्रि है, मतलब 13th से नवरात्रि है. मैं सारे नवरात्रि रखती हूँ, तो नवरात्रि स्टार्ट हो रही है, तो ऐसा था ना मेरे मन में, हो रहा था यार चल 1-2 दिन जो है ना थोड़ा थोड़ा खा लेती हूँ, क्योंकि उसके बाद से नवरात्रि स्टार्ट हो रहे हैं. अगर आप भी ऐसा सोचते हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन दी कमेंट्स. अगर आप भी नवरात्रि रखते हो सारे, तो प्लीज़ लेट मी नो, ताकि मुझे भी पता चले मेरे साथ कौन है और मेरी यहाँ क्लिप लगी हुई थी. सो हाँ, प्लीज़ लेट मी नो अगर आप भी नवरात्रि रखने वाले हो, तो हम साथ साथ रखेंगे. एंड आई विल व्लॉग, मतलब मैंने पिछले साल भी किया था, मैंने पिछले साल भी पूरे 9 दिन नवरात्रि के व्लॉग करे थे, तो आई विल व्लॉग दिस टाइम एज वेल. और हाँ, आई एम एक्साइटेड. तो हाँ चलो ठीक है, आज मुझे बाहर भी जाना है आदू के गिफ्ट के लिए भी, तो आज वाला व्लॉग भी पक्का देख लेना, इट विल बी एक्साइटिंग, क्योंकि बर्थडे पार्टी होने वाली है उसमें बच्चों की एकदम मस्त. सो या चलो, मैं अब आपसे मिलूंगी बाद में कल विद अ न्यू वीडियो. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय. वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए. और बाय बाय, टेक केयर, लव यू.